और वहीं फ्लैट बायर्स काफी नाराज हैं। नोएडा एक्सटेंशन में परेशन नहीं मिलने पर फ्लैट बायर्स का विरोध इस वक्त भी जारी है। आज नोएडा के सेक्टर 15 स्थित अर्थ इंफ्रा के दफ्तर के बाहर ये विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां अर्थ इंफ्रा के कर्मचारियों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। अर्थ इंफ्रा के फ्लैट बायर्स का कहना है कि 90% भुगतान कर देने के बाद भी उन्हें फ्लैट का परेशन अभी तक नहीं दिया गया है। मैंने अर्थ टाउन में 2010 में बुकिंग करी थी और 2010 से लेकर आज 2016 तक हमने बिल्डर को, हर अथॉरिटी को, मिनिस्ट्री को, अखिलेश जी को डायरेक्टली हमने बहुत अप्रोच किया है, लेकिन हमारे को आज तक कुछ निदान नहीं मिला है। मेरे को आपके माध्यम से अखिलेश भैया से ये कहना है कि अगर वो चाहते हैं कि यहाँ के नोएडा के लोग उन पर ट्रस्ट करें, तो प्लीज़ जो उनका अर्थ घरौंदा लखनऊ में प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, इस बिल्डर के साथ ना करें। सेक्टर 16 के अर्थ का ऑफिस है यहाँ पर सेक्टर 16 में, और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं ये खड़े हुए हैं। दरअसल जो है इनकी मांग है कि इन्होंने पैसा दिया हुआ लेकिन फिर भी घर नहीं मिल रहा है। आप बताइए, आपका क्या नाम है, किस प्रोजेक्ट में था आपका और कब आपने बुक किया था? अक्टूबर 12 के अंदर टैक्स जोन 6 के लिए मैंने पैसा जमा कराया था, 16,64,000 दे चुके हैं। और वो लोग कहते हैं कि पता लगता है यहाँ पर कि वो है ही नहीं, इनके पास एरिया नहीं है, पैसा लेकर के बैठे हुए हैं, ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं, ना कोई बात करते हैं, लेटर्स देते हैं, ईमेल देते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। अभी भी आए सुबह से आकर बैठे हुए, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, आप बताइए, आपने कब बुक किया था, कितना पैसा आप दे चुके हैं, क्या कमिटमेंट्स थी आपकी? हमने 2010 अक्टूबर में बुक किया था, कमिटमेंट 2014 में सितंबर तक दे देंगे बताया था, अब तक कुछ भी नहीं है। अगर आके पूछा तो घुमाते जा रहा है, बात घुमाते जा रहा है, तो कब देगा, कुछ कमिटमेंट कुछ नहीं दे रहा है। पैसा कितना दिया आपने? 95% दे दिया। ये अपने किसी जूनियर एम्प्लॉय को भेज देते हैं और हमसे गोलमोल बातें करते हैं, आज तक किसी चीज का कंक्लूजन नहीं निकला। आज 6 साल हो गए, हमें अपना पैसा भी हमारा जा रहा है, हमारी रेंट EMI सब जा रही है, देख सकते हैं आप कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है और हमसे वो मिलना तक नहीं चाहता। बार बार बोलने के बाद भी वो यहाँ नहीं है, आज भाग गया। तो बिल्कुल, ये तमाम वो बायर्स हैं जो लगभग कोई 5 साल, कोई 6 साल पहले पैसा दे चुका है घर के लिए, लेकिन उन्हें घर नहीं मिल रहा। और उससे बड़ी बात ये होती है कि जब ये लोग जो बिल्डर है उसके पास जाते हैं, जैसे कि आज भी जो है दफ्तर में आए हुए हैं, तो यहाँ पर इन्हें कोई जवाब देने के लिए नहीं मिलता है। बिल्डर जो है कभी साइट तो कभी ऑफिस के ही चक्कर लगाने के लिए ये तमाम बायर्स जो है मजबूर हैं। कैमरा पर्सन निहाल सिंह गौतम के साथ जितेंद्र भाटी, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। तो NCR इलाकों की बात करें तो नोएडा में इस वक्त फ्लैट बायर्स काफी निराश हैं, काफी